नमस्कार दोस्तों मैं हूं नरेश स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने फेवरेट गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में और दोस्तों जब से मैंने ये बागवानी का चैनल शुरू किया है तब से लेकर अभी तक हजारों की तादाद में कमेंट सेक्शन में मुझे ऐसे मैसेजेस जितने भी मेरे बागवानी करने वाले दोस्त हैं जिन्होंने फलों के पौधे लगाए हुए हैं उनकी तरफ से एक बार बार कंटिन्यूसली मिलता है और अलग अलग लोगों के जरिए मिलता है अलग अलग फलों के पौधों में मिलता है जैसे अमरूद चीकू संतरा मौसमी नींबू सीताफल जामुन चीकू इन फलों के पौधों के बारे में मेरे जो बागवानी करने वाले दोस्त हैं उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि जी हमने फलों का पौधा लगाया ताकि हम इससे जो है फल की हार्वेस्ट ले पाए लेकिन हो क्या रहा है कि काफ़ी टाइम बीतने के बाद भी हमारे फल के पौधे के अंदर या तो फ्लावर नहीं आ रहे या फिर फ्लावर आ रहे तो फ्लावर जो है झड़ जा रहे हैं या फिर फ्लावर से अगर फ्रूट डेवलप भी हो रहा है तो काफ़ी छोटे छोटे जो फ्रूट है वही गिर जा रहे हैं तो फ्लावर ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप की जो समस्या है तकरीबन सभी जो है गार्डनिंग करने वाले दोस्तों को कभी ना कभी इससे सामना करना पड़ता है इसके कई सारे कारण हो सकते हैं लेकिन एक मेजर कारण इसका होता है न्यूट्रियट की कमी तो आज इसी टॉपिक को पकड़कर मैंने एक जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया है उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए नए दर्शक है चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए हम इसी तरह के बागवानी से जुड़े वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं तो दोस्तों देखिए पहले तो न्यूट्रियट अगर प्लांट को अच्छे से मिलता है तो प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होती है उसमें टाइम टू टाइम जो है मेचोरिटी पौधा अटेन करता है और उसके अंदर फ्लावर और फ्रूट जो है अच्छे से आते हैं अब इसमें जो खाद है खाद में भी अलग अलग तरह की खाद होती है मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी खाद जो कि पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है ये खाद जो है कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है एन पी के डी ए पी जैसी जो केमिकल फर्टिलाइज़र होती है उसकी टक्कर की खाद है लेकिन है बिल्कुल ऑर्गेनिक तो दोस्तों ये है जाइम फर्टिलाइजर तो जाइम फर्टिलाइज़र क्या है इसके बारे में हम डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ और कैसे आपकी जो पौधे की फ्रूटिंग जो है या फ्लावरिंग जो है कैसे ये बढ़ाने में मदद कर सकता है इसके बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जाइम फर्टिलाइज़र है क्या तो दोस्तों जाइम फर्टिलाइज़र एक जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसे सीवीड एक्सट्रैक्ट और फ्लूविक एसिड ह्यूमिक एसिड न्यूट्रिएंट, क्रूड प्रोटीन आदि को मिलाकर बनाया जाता है ये लिक्विड और दानेदार ठोस अवस्था दोनों के रूप में बाज़ार में मिलता है डीएपी और एन की एन के जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका ऑर्गेनिक विकल्प भी जाइम फर्टिलाइजर है यानी ऑर्गेनिक तरीके से बगैर किसी केमिकल के आप अपने पौधे को न्यूट्रियट दे पाए दूसरा जाइम फर्टिलाइज़र फ़ायदेमंद कैसे ये सबसे ज़रूरी टॉपिक है मेरे जो बागवानी करने वाले दोस्त हैं उनके लिए तो ये तीन जो है मैंने तो, पॉइंट इसमें बनाए हैं सबसे पहले तो जाइम फर्टिलाइजर से पौधे की जड़ों का विकास बड़ी तेजी से होता है इससे फूल ज़्यादा लगते हैं और फल ज़्यादा बढ़ते हैं देखिए किसी भी पौधे में जड़ें अगर ज़्यादा है तो उसके ऊपरी जो हिस्सा होता है जैसे जो पत्तियाँ आती है या फूल जो आते हैं उसमें भी जो है बिल्कुल उतना ही प्रपोर्शन में डेवलपमेंट होता है फूल ज़्यादा अच्छे से आएंगे और इससे दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इसमें मौजूद पोषक तत्व पौधे की बीमारियों और कीड़ों से लड़ने की क्षमता जो है उसको बढ़ा देते हैं अच्छा पोषण मिलता है तो पौधे की बीमारियों से लड़ने की क्षमता तो बिल्कुल बढ़ेगी तीसरा जो है इसके अंदर फ़ायदा हमारे को ये मिलता है कि मिट्टी में मिलकर एंजाइम मिट्टी को भुरभुरा नरम और उपजाऊ बनाते हैं मिट्टी का पूरा इकोसिस्टम सुधारने में जाइम फर्टिलाइजर जो है मदद करते हैं जो ग्राउंड के अंदर जितने भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं या जो जितने भी जीव होते हैं उन सबको एक अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड करने में भी जैम फर्टिलाइज़र मदद करता है तो मिट्टी को जो है मिट्टी का पूरा एक सुधार जो है वो कर देता है जाइम फर्टिलाइज़र दूसरा पौधे की जड़ों को बढ़ाने में मदद करता है तीसरा अच्छे पोषण की मदद से पौधे को अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है तो ये तीनों चीज़ें जब पौधे को मिलती है तो पौधा जो है टाइम से अपनी मेच्योरिटी अटेन करता है बिल्कुल एक ताकतवर पौधा बनता है और उसमें फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप की समस्या कभी भी नहीं आती

ता एक तो ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर पौधे के स्टेम के पास में अगर इकट्ठा हो जाता है तो उससे जो पौधे का स्टेम है वो गलने सड़ने की दिक्कत बन सकती है यानी स्टेम रोड पौधे में हो सकता है दूसरा इतनी दूर अगर फर्टिलाइज़र हम ऐड करते हैं तो पौधे की जो जड़ें हैं वो उत्साहित होती है अपने न्यूट्रिएंट पिक करने के लिए बाहर की तरफ जो है उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है क्योंकि बाहर जो है न्यूट्रियट बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं पौधे की जड़ों को थोड़ा सा दूरी पर तो सारी जड़ें जो है तेज़ी से बाहर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करती है इससे जड़ें तेज़ी से विकास करती है तो पौधा ऊपर भी जो है अपनी ग्रोथ उसी हिसाब से बैलेंस करने के लिए ऊपर भी फ्लावर और फ्रूट डेवलपमेंट अच्छे से करता है तो ये कारण है दोस्तों और इस इस तरीके से अगर आप खाद देते हैं महीने में एक बार दो मुट्ठी भर तो आपका पौधा जो है बिल्कुल उसका संपूर्ण विकास होगा फ्लावर उसमें टाइम से आएंगे और जो फ्रूट है जो फ्रूट ड्रॉप की समस्या है उससे भी आप निजात पालेंगे तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक और शेयर